दोस्तों, आज हम आपको कर्नाटक राज्य के एक खूबसूरत से जिले की सैर पर लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर का शाब्दिक अर्थ है छोटी बेटी का शहर, और इस छोटी बेटी के शहर का एक बड़ा प्यारा सा हरा भरा सुंदर गांव है कोप्पा। कोप्पा को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है। हालांकि यहाँ कश्मीर की तरह बर्फ तो नहीं गिरती, लेकिन इस गांव में कई छोटे बड़े पहाड़, कॉफी और चाय के खूबसूरत हरे भरे बगान हैं, जिसका मजा आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोप्पा में क्या खास है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं कमंडाला गणपति के प्राचीन मंदिर में, जो कि कांसवे क्षेत्र के जंगल के ठीक बीचों बीच बना हुआ है। इस मंदिर की खासियत यह है कि गणपति भगवान के ठीक सामने ब्रह्मकुंड नामक एक छेद है, जिसमें सालों भर पानी बहता रहता है। एक कमंडला गणपति है, एक कोप्पा में किसपे ग्राम में है। एक्चुअली वो पानी आ रहा है ना, वो ब्राह्मी नदी का उगम स्थान है। वहाँ एक होल है ना, उसमें आप आपका इच्छा क्या है वो मन में प्रे करके डालते हैं और कॉइन वहाँ गिरता है, वो आपका इच्छा पूरा होता है। ये आसपास लोग को बिलीव है। दोस्तों, अगर आप क्लाउड सर्फिंग का नज़ारा देखना चाहते हैं, तो आप कुंद्रादी हिल्स की तरफ रोड ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। इस पहाड़ पर ट्रेकिंग के भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं।
दोस्तों, अब आप आ गए हैं मलनाड के हरे भरे जंगलों के बीच बसे कवि माने नामक गांव में, जो विख्यात कन्नड़ भाषा के कवि वेम्पु का पैतृक घर है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है। थ्री स्टोरीड वाला यह घर पारंपरिक मालनेडू शैली में बना हुआ है। इसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। बोली, कैसे लग रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ, काफी अच्छा जगह है। और यहाँ पे लोगों को आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, एक बार तो विजिट करना चाहिए। राष्ट्र कवि है ना वेम्पु, नॉर्थ इंडियंस को मालूम नहीं रहता है इसके बारे में। ये लोग विदेश से आके यहाँ घूमते हैं। सहकर्मी आपको ज्यादा विस्तार से बता देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना का हूँ सर। और यहाँ कर्नाटका? यहाँ मेरा नौकरी है, रोजी रोटी चलती है। उनसे इधर आई तो उनसे भी पूछ लो। किनसे? उनसे पूछ लो, परमानेंट इधर आते हैं। वो बहुत बार आए इधर घूमने, बार बार आते हैं, हर सप्ताह वीकेंड में इधर आते हैं। बताइए जगह कैसा लगा? शूट कर रहा है, बता दीजिए। यूट्यूब पे डाल रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है। यहाँ आप जो खड़ी शिलाएं देख रहे हैं, उसे कवि शिला कहा जाता है। दरअसल यह कविराज कुवेम्पु का एक स्मारक स्थल है और इन शिलाओं के केंद्र में उनकी कब्र है। कहा जाता है कि वे यहाँ मेडिटेशन करते थे और अपनी रचनाएं कहते थे।